Hey friends, welcome back to our channel. This is your host Divya. Today I'm coming with a new project which is located in Upper Khargar, which is also very close to Sector 36. Project name is Queen Necklace, projected by Satyam Developers. So friends, अगर मैं developer की बात करूँ तो इनके 25 plus years की legacy है market में. इन्होंने काफी सारे projects complete किए हैं नवी मुंबई में. खारगर में इनके 2-3 प्रोजेक्ट ongoing हैं. जिससे फ्रेंड्स अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो खारगर स्टेशन यहाँ से 15 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पे है. अगर मैं नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा. यहाँ से आप आराम से 15-20 मिनट ड्राइव करके आप एयरपोर्ट भी जा सकते हो. यहाँ से मेट्रो स्टेशन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. आप आराम से 1-5 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन कनेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा जो हाईवे है which is already developed, so 4-lane का आपका हाईवे कन्वर्ट होने वाला है. सो फ्रेंड्स अगर स्कूल हॉस्पिटल्स मॉल्स की आप बात करोगे तो आपको आराम से 2-2.5 किलोमीटर के बीच में आपको अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे, आपको मॉल्स मिल जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे. यहाँ से टाटा हॉस्पिटल सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. सो फ्रेंड्स 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप सेंट्रल पार्क कनेक्ट कर सकते हो. एशिया का सबसे बड़ा सेंट्रल पार्क है खारगर में. सो फ्रेंड्स खारगर रहने के लिए काफी अच्छी जगह है, काफी अच्छा लोकेशन है. ये नो स्मोकिंग जोन भी बोला जाता है. यहाँ पे आपको अच्छे खासे स्कूल्स मिल जाएंगे, काफी अच्छे अच्छे स्कूलिंग यहाँ पे अवेलेबल है. आपके बच्चों के लिए काफी अच्छा और काफी ब्राइट फ्यूचर है खारगर में. सो फ्रेंड्स अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये टोटल 4.5 एकर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें टोटल 4 बिल्डिंग्स आ रही है, G+25 स्टोरेज. सो फ्रेंड्स अगर मैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो G+4 स्टोरेज का आपका पार्किंग रहने वाला है. 5th फ्लोर पे आपको मिलने वाला है पोडियम और 6th फ्लोर से आपका स्टार्ट होता है हैबिटेबल फ्लोर्स. सो फ्रेंड्स अगर मैं एमिनिटीज की बात करूँ तो आपको 40+ एमिनिटीज मिलने वाला है प्रोजेक्ट में. सो योगा रूम, मेडिटेशन रूम, आपका जगुजी, स्टीम रूम, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जितनी भी एमिनिटीज है सारी एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है. सो फ्रेंड्स अभी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं. चलिए मैं हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन दिखाती हूँ, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक कम्प्लीट हुआ है. सो फ्रेंड्स अभी हम हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कंस्ट्रक्शन. सो आप देख सकते हो ए एंड बी का ऑलरेडी बिल्डिंग का काम चल रहा है. इसका नेक्स्ट मंथ में प्लिंथ एक्सपेक्टेड है. सो फ्रेंड्स ए एंड बी के जस्ट पीछे आपका सी एंड डी बिल्डिंग है, उसका भी काम चालू हो गया है बिल्डिंग का. सो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपका प्लिंथ एक्सपेक्टेड है. सो फ्रेंड्स ये है 1 BHK का फ्लैट, ऐसे ही आपको सेम टू सेम डिलीवर होने वाला है. अगर मैं पूरे साइज की बात करूँ, फ्लैट के एंटायर साइज की बात करूँ, तो 493 स्क्वायर फीट का आपको पूरा अपार्टमेंट मिलने वाला है. इससे अटैच आपको मिलने वाला है बैल्कनी. दिस इज 3.5 फीट की बैल्कनी और यहाँ से आप देख सकते हो व्यू, आप चूज कर सकते हो. दिस इज स्विमिंग पूल फेसिंग अपार्टमेंट. सो फ्रेंड्स अगेन मैं हॉल के साइज की बात करूँ, सो 10x14.5 का आपको पूरा हॉल मिलने वाला है. अब आपके हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो. ये साइड में आप सोफा अरेंज कर सकते हो. अगेन इसके सामने ही आप यहाँ पे टीवी अरेंज कर सकते हो और डाइनिंग के लिए अलग से स्पेस है. सो ये साइड में आप अपना डाइनिंग अरेंज कर सकते हो. फ्रेंड्स आगे की तरफ हम आते हैं. दिस इज योर कॉमन वॉशरूम. अगेन वॉशरूम के अंदर आप देखोगे सारे ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलने वाले हैं और आपको फुल टाइल्स मिलने वाला है. तो राइट हैंड साइड पे है आपका किचन. 7.9 स्क्वायर फीट का आपको किचन मिलने वाला है, विच इज ऑल्सो वेरी बिग. सो दोनों साइड में आपको प्लेटफॉर्म्स मिलने वाले हैं, आप आपके हिसाब से कैबिनेट्स बनवा सकते हो. यहाँ पे आपका बेसिन रहेगा और इसके साथ ही आपको मिलता है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो. सो और इसके साथ ही हमने आप ये साइड में अपना चिमनी लगा सकते हो, एग्जैक्ट गैस के उसमें आप अपना चिमनी अरेंज कर सकते हो. और यहाँ पे आपको मिलने वाला है अलग से स्पेस फ्रिज के लिए. यहाँ पे आप अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हो. एग्जैक्ट इसके सामने भी स्पेस है तो यहाँ पे आप बॉक्स बनवा सकते हो. एक आप बॉक्स बनवा के ऐसा आप अपने सारे सामान को स्टोर कर सकते हो. सो फ्रेंड्स आगे की तरफ हम आएंगे. दिस इज योर मास्टर बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ में. ये आपका वॉशरूम रहने वाला है और अगेन आपको सारे ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगे, फुल टाइल्स मिलेगा और इसके साथ ही आपको सामने मिलता है यूटिलिटी स्पेस. सो यूटिलिटी स्पेस में आप अपना वॉशिंग मशीन अरेंज कर सकते हो और ये है आपका बेडरूम. तो पूरे अगर मैं साइज की बात करूँ तो 10x11 का आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है. इसके साथ ही आपको यहाँ पे वॉलड्रॉप के लिए अलग से स्पेस मिलेगा. ये साइड में आप अपना वॉलड्रॉप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे वॉलड्रॉप बनवा सकते हो.
और यहाँ पे आप अपना किंग साइज बेड बनवा सकते हो, सो विच इज़ वेरी स्पेशियस। ये साइड में आप अपने लिए एक स्टडी यू नो वर्क स्टेशन बनवा सकते हो ये साइड में अपने लिए, और इससे आपको मिलने वाला है काफ़ी बेस्ट फेसिंग। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल फेसिंग और एमिनिटीज फेसिंग आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। सो ऑल 1 BHK आर एमिनिटीज फेसिंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं एक्चुअल 2 BHK में। दिस इज योर सैम्पल फ्लैट। सो अगर मैं इसके कार्पेट एरिया की बात करूँ तो 678 स्क्वायर फीट आपका फुल कार्पेट एरिया रहने वाला है। अगर मैं हॉल की साइज की बात करूँ तो 10x16 का आपको हॉल मिलने वाला है, और इससे अटैच आपको मिलने वाली है बालकनी, विच इज़ 3.5 फीट की बालकनी। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बालकनी है। यहाँ से आप फेसिंग चूज कर सकते हो अपने लिए, हिल फेसिंग, सिटी फेसिंग, आइदर हाईवे फेसिंग। तो फ्लैट के अंदर आप आपके हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हो। आप ये साइड में अपना सोफा अरेंज कर सकते हो, ये साइड में अपना टीवी अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डाइनिंग के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे की तरफ हम आएंगे, यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में अगेन आपको सारे ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाला है, फुल टाइल्स मिलने वाला है, और वॉशरूम से अटैच आपको मिलने वाला है यूटिलिटी स्पेस। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन अरेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है आपका किचन। 7x11 का आपको किचन मिलने वाला है, विच इज़ रियली स्पेशियस। दोनों साइड पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, आप आपके हिसाब से यहाँ पे कैबिनेट बनवा सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिन के लिए स्पेस होगा। अगेन यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए अलग से स्पेस हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अगेन काफ़ी सारा स्पेस था, यहाँ पे आप वार्डरोब बनवा सकते हो किचन के अंदर। सो आपका जितने भी आपके ग्लास मटेरियल रहेंगे आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कॉमन बेडरूम। दिस इज ऑल्सो किड्स बेडरूम। सो दिस इज 10x11 का बेडरूम, और आप देख सकते हो किंग साइज बेड हमने यहाँ पे अरेंज किया है। उसके बाद में भी काफ़ी सारा स्पेस रिमेनिंग है। यहाँ पे दोनों साइड में टेबल है, आप यहाँ पे स्टडी टेबल बनवा सकते हो अपने बच्चे के लिए। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए मिलने वाला है आपको विंडो, सो ऐसे हाफ विंडो मिलने वाला है, सो बच्चों के लिए काफ़ी सेफ रहता है हाफ विंडो। बाहर आप आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। सो 2 BHK है तो आप हिल फेसिंग, आइदर सिटी फेसिंग, हाईवे फेसिंग आप चूज कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पे आप टीवी अरेंज कर सकते हो, और ये साइड में हमने काफ़ी सारा स्पेस दिया हुआ है वॉलड्रॉप के लिए, सो यहाँ पे आप वॉलड्रॉप बनवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये है आपका मास्टर बेडरूम, यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे अटैच आपको मिलने वाला है अगेन वॉशरूम, अटैच वॉशरूम अगेन, विच इज़ वेरी स्पेशियस। सो यहाँ पे आपको फुल टाइल्स मिलने वाला है, सारे ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाले हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पूरा बेडरूम। सो बेडरूम के साइज़ की अगर मैं बात करूँ सो आपको 10.5x आपको 12 का बेडरूम मिलने वाला है, विच इज़ वेरी स्पेशियस। तो काफ़ी बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे आप देख सकते हो किंग साइज़ का बेड है, और उसके साथ ही आप यहाँ पे आपका वॉलड्रॉप है, सो वॉलड्रॉप के लिए काफ़ी बड़ा सा स्पेस है, आप वहाँ पे वॉलड्रॉप अरेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये साइड में आप अपने लिए ड्रेसिंग टेबल बनवा सकते हो अगर आप चाहो, और ये साइड में आप टीवी अरेंज कर सकते हो अपने लिए। आपको वेंटिलेशन के लिए मिलने वाला है विंडो, सो हाफ विंडो आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल सी आपको फेसिंग दिखने वाली है, आपको हिल दिखने वाला है यहाँ से। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको साइट विजिट करना है तो आपको करना है हमें कॉल। आपके लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल है, हम आपके लिए पिकअप अरेंज कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप उस पर हमें हाई व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आपके लिए पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।